दिनेश कार्तिक ने ना दिल जीत लिया आरसीबी फैंस का भाई। इस आईपीएल में क्या हो रहा है? नहीं, मैं नहीं दे सकती इतने छक्के। सनराइजर्स ने अपना ही पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। ये विराट आउट हो गया और ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग है वो है सनराइजर्स का और आरसीबी का। और भाई सनराइजर्स ने तो फाइनली आज एक अच्छा काम हो गया कि आरसीबी टॉस जीत गई। आरसीबी टॉस जीत के ना बॉलिंग ले रही, लेकिन वही सीन। लेकिन बताओ क्या सोच के लिए इन्होंने बॉलिंग, क्या हमारी बॉलिंग कमजोर है? लेकिन भाई अब टारगेट इतना मिल जाएगा ना, वही सीन उल्टा हो गया। यही तो बता रहा हूँ, आरसीबी ने बॉलिंग ली, उसके बाद ये लोग अभिषेक और ट्रेविस हेड इतना खतरनाक खेले यार। ये जो ट्रेविस, अब एक विकेट आई है खाली, वो भी उसकी अभिषेक की है। ट्रेविस हेड तो अभी भी खड़ा हुआ है 21 बॉलों पे 50 यार। आप ये देखो 29 पे भी 79, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा और क्लास से ना गया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में आया हुआ है भाई। वो बोल रहा है आरसीबी का रिकॉर्ड तो तोड़ चुके थे, आज वो आरसीबी वापसी चौका आ गया। विराट कोहली कितना परेशान घूम रहे हैं कि यार ये क्या, जितने रन बनेंगे मुझे बनाने पड़ेंगे ना। ठक्का ठक हर बॉल पे ट्राई ले रहे, कोई भी बॉल ऐसी नहीं जा रही जिसपे वो यूं करके सिंगल डबल ले रहा है। हर बॉल पे वो मारने की ट्राई, पैट कमिंस ने ना आरसीबी की सुपारी देके भेज दिया बैट्स को। ये सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन ना बुरा नहीं मानना, प्रैक्टिस कर रहे हैं आरसीबी के बॉलर्स पे। अभी क्लासिंग आया, उसने भी 2-3 बॉलरों की स्टार्ट कर दिया, उसने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया। इतना ज्यादा मतलब फास्ट खेल रहे हैं ये लोग। मैं समझता हूं इतना ही टारगेट लो, वो क्लासिंग खड़ा हुआ है आगे 33 बॉलों पे 86 रन बना के वो खड़ा हुआ है उसका। तो मैं कह रहा हूँ आईपीएल की तेज तरीन 100 आ रही है भाई ट्रेविस हेड की। तो यार शानदार जड़ दिया है अपना शतक, 39 बॉल का सारा लेके सिर्फ। यार मैं समझता हूँ कि तेज तरीन इनिंग और मतलब समझ में आ रहा, मेरा ख्याल 10 छक्के मारे और मेरा ख्याल 7 या 8 चौके मारे। रुक ही नहीं रहा था बंदा, हल्के में नहीं आ रहा था, सोच कर आ रहा हर बॉल पे। बॉलर ने तो सर पकड़ लिया कि क्या करें। बंदा ट्रेविस हेड पवेलियन से सेट होकर आया था, ड्रेसिंग रूम से सोचकर आया था कि मुझे आज रिकॉर्ड जड़ना है और मुझे अपना रिकॉर्ड वाला शतक भी बनाना है और टीम के लिए भी रिकॉर्ड जड़ना है। देखो सेलिब्रेट कैसे कर रहा है, बैट के ऊपर हेलमेट लगा के फुल सेलिब्रेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन ब्लड है मेरे भाई ये। अच्छा ये मुझे तो पूरी टीम ही ऑस्ट्रेलिया वाली लगती है भाभी। शुक्र है भाई फेव ड्यू प्लेसिस फिल्टर थे, वो कैच ड्रॉप नहीं करते और ट्रेविस हेड का विकेट हो गया। लेकिन मेरे भाई जो वो करके चले गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए जो ट्रेविस हेड इनिंग खेल के गया है। 165 रन है अभी सनराइजर्स, 102 रन तो ट्रेविस हेड का डालो। क्लासिन ने भाई बाहर फेंक दी, मतलब बॉल स्टेडियम में रहने नहीं दे रहे ये लोग। मुझे लगता है सारे फील्डर्स को ना साइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो भाई खिलाड़ियों को भी ऐसी खुराक मिल रहा है भाई, खाए पिए बाहर गई। 106 मीटर्स का 6। ओके तुमने आज क्लासिंग का जलवा देख लिया? क्लासिंग तो भाई क्लास करके चलेगी। 180 या फिर क्लासिंग, तुम बताओ जल्दी से मुझे। क्लासिंग क्लासिंग अब्दुल समद भी नहीं आते भाई। बेंगलोर का ग्राउंड गरज रहा है समद के बल्ले से भाई साहब। लेकिन ये उल्टा हो गया यार, ये वहाँ पर होना चाहिए था, आरसीबी की तरफ होना चाहिए था। पहुंच गया है और सनराइज रन चाहिए 21 रन चाहिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। नहीं मैं नहीं दे सकती इतने छक्के, मैं नहीं देखूंगी छक्के। समझती हूँ चले जाए वो कहीं। ये इस आईपीएल में क्या हो रहा है, ये हुआ क्या है? मतलब जो आ रहा है छक्के मार रहा है यार, जो आ रहा है। कोहली कह रहा है कि बेचारा कितने बना लेगा यार, 100 बनाएगा वो। सनराइजर्स ने अपना ही रिकॉर्ड को पॉसिबल करके दिखा दिया, अपना ही रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्रोक कर दिया मेरे भाई। और ऑनर्स की खुशी का जवाब नहीं है, ऑनर्स फुल तालियां बजाते हुए चेयर अप करते हुए भाई। और भाई समद और मरकरम ने वो माइंडसेट उन्होंने सोच लिया था कि हमें सोच अभी ही अपना स्कोर ब्रोक करना है। और फाइनली सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 किया था पिछले मैच में, आज 278 हो गया है और अभी स्टिल 3 बॉल लेफ्ट है और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना ही रिकॉर्ड इम्पॉसिबल को और आईपीएल का भी हाईएस्ट रिकॉर्ड बन रहा है ना। सबसे ऊपर सनराइजर, उसके दूसरे नंबर भी सनराइजर। फैंस ने सोचा था कि सनराइजर्स हैदराबाद एक और रिकॉर्ड बनाएगी, वो भी उन्हीं के सामने, और अपना ही रिकॉर्ड ब्रोक करेगी भाई। फिनिश नहीं, आखिरी बॉल पे भी उसने ट्राई किया था छक्का मारने का समझ ने, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया और 20 ओवर पूरे होने पे 288 का विन दिया आरसीबी को। और ये आरसीबी को चाहिए आज थोड़ा सा, मैं कह रही हूं चले जाओ। आज विराट के ऊपर प्रेशर मत रखो कि आज विराट ही सब कुछ करेगा भाई, इन लोगों को पावर हिटिंग चाहिए।
आप हर बॉल में ऐसी ही इनिंग चाहिए जो ये लोग खेल के गए हैं। हर बॉल में आपको कम से कम 20 का आपको रन रेट चाहिए, 20 रन आपको करने हर ओवर में। मैच तो गया हाथों से माफिया, मैच तो देखिए वन साइडेड हो गया, आरसीबी तकरीबन तो हार गया, वो कोई चांस होगा कोई ऐसा मिरेकल होगा जो चेस करे। इतने तो हमारी टीम बनाती है माफिया, किसमें वनडे में बनाते हैं। मैंने बोला की अभी 3 ओवर 4 ओवर होने दो, अभी चुपचाप रहो, कुछ नहीं देखो, लेकिन अभी तो लग रहा है थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि यार अच्छा खेल रही है आरसीबी, अच्छी इंटेंट दिखा रही है, कोहली भी है, हर बॉल पे ट्राई ले रहे हैं, हर बॉल पे ट्राई ले रहे हैं, पूरा चौका है, पूरा चौका है। कोहली भी बहुत वीआईपी किस्म का खेल रहे हैं भाई, और फैफ ड्यू प्लेसिस खास तौर पे 9 बॉलों पे 23 रन। और पता है टारगेट देखकर है ना आरसीबी के फैंस बैठ गए थे, लेकिन स्टेडियम में अब थोड़ा सा जोश आ रहा है। अगर ट्रेविस हेड जैसी इनिंग कोई खेल सकता है तो वो एक ही बंदा है, वो है फैफ ड्यू प्लेसिस। और वो विराट कोहली का एक और फ्लिक शॉट, ये वाला जो 2 छक्के 3 छक्के मार दिए विराट कोहली ने टोटल 5 ओवर में 17 रन, क्या समझती हो तुम, तुम्हारे हिसाब से सही जा रहा है? अभी सही है, अभी सही है। अगर तुम बोलते तो मैं कोई प्रिडिक्शन कर दूं या मैं चुप रहूं? नहीं नहीं, चलो मैं चुप। नो यार, ओ नो, ये विराट आउट हो गया। और ये चिन्ना सामने स्टेडियम में सन्नाटा नहीं है, बल्कि ये पूरे आरसीबी के दिलों के फैंस में सन्नाटा है। उसने विकेट लिए, मतलब टाइमिंग थोड़ी सी मैच नहीं हुई विराट की, नजर लग गई, नजर तो लगी, लेकिन विराट की टाइमिंग थोड़ी सी मैच नहीं हुई। वो यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे कि ये मतलब विकेट हो जाएगी यार। अच्छा मैंने तो भी थोड़ी थोड़ी मैंने ये सोचा था चलो स्लो शायद खेल ले, लेकिन विराट आउट हो जाए कि विकेट आने का खदशा है, तो मेरे भाई खैर अब क्या कर सकते हैं, आउट होता है सबसे अनलकी आउट होता है यार। ये देखो ना यार, उसने हाथ से टच किया और ना कोई अपील की जरूरत है ना कोई रिव्यू की जरूरत है, सिर्फ टच बहुत भार था क्रीज से। और फाइव डी प्लेसिस नहीं है, मतलब एक तरीके से आरसीबी की विकेट ले ली है। मैं ये समझ जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म, तकरीबन मेरा ख्याल से वन साइडेड हो गया है, अब सनराइजर्स जीत रहा है। अच्छा फैफ ड्यू प्लेसिस बहुत अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था फैफ ड्यू प्लेसिस, बेहतरीन किस्म की बारी खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल बाउंसर आई पैड का मिस, तो फिर आपको पता है ना स्मार्ट बॉलर है, स्मार्ट कप्तानों से दिमाग चलाया, क्योंकि 2 पे बैक टू बैक बाउंड्रीज आ गई, एक और विकेट आ गया, और पैट कमिंस ने तहस नहस कर दिया आरसीबी को सिर्फ एक ही ओवर में। फैफ ड्यू प्लेसिस का भी विकेट आया और फिर अभी सौरभ का भी विकेट आया और सब सन्नाटा हो गया। अच्छा मामी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सीएसके को शुरू से सपोर्ट कर रही थी, सनराइजर्स को कर सकती है। इतनी कोई अजीब वो गरीब बॉलिंग करी है आरसीबी ने आज, मैं कहता हूँ कि अभी बैट्समैन बहुत अच्छा खेले, इतनी की भी उम्मीद, इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इनकी, आई थिंक जर्सी की, मैं समझ रही थी क्या क्या सारा पैसा, अगर इससे अच्छा उन पैसों से ना बॉलर्स खरीद लेते भाई, कोई एक बॉलर तो खरीद लेते यार। अच्छा 88 खा ली आपके बॉलर्स ने, अजीब गरीब आपने बॉलिंग कराई है और सारा प्रेशर आपने फिर फैफ ड्यू प्लेसिस, विराट, दिनेश कार्तिक, लॉन्ग सब पे। अबे भाई हालांकि आज, हालांकि मैं समझती हूँ आज बहुत अच्छा खेला है फैफ ड्यू प्लेसिस ने भी और विराट, विराट भी अच्छा खेला है, और ये 122 रन 10 ओवर में ये सही से लेके चल रहे हैं अभी, लेकिन विकेट भी तो जा रही है ना, 5 विकेट हो गई है। दिनेश कार्तिक का खेला 50 बना ले चलो ज्यादा से ज्यादा, इतना एक तो ये आईपीएल का समझ भी नहीं आता है, आईपीएल का नहीं, मुझे आरसीबी वालों का समझ नहीं आता है। अभी मैं आराम से लेट गया था, मैंने बोला ये गया मैच हाथ से, ये दिनेश कार्तिक ने थोड़ा सा मैच में जान डाल दी है, डीके के हाथ में है सब कुछ, मैवरिक कार्तिक सब कुछ डीके के हाथ में, अभी सिंगा 106 था और वो बाहर चले गया था, 108 हो गया है, ठीक है, और बहुत बड़ा छक्का मारा है कार्तिक ने यार। आरसीबी तो मैच हार गया है, लेकिन दिनेश कार्तिक ने ना दिल जीत लिया आरसीबी फैंस का भाई, आरसीबी के पास ये जैम है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया भाई। कार्तिक आउट हो चुका है, लेकिन बेहतरीन किस्म की इनिंग खेल के गया, बार बार बोला है मैंने, और अगर सिर्फ एक ओवर दिनेश कार्तिक को और दे देते ना भाई, ये बताता फिर किस तरह से हाईएस्ट चेज होता है। खैर मैच बड़ा वीआईपी हुआ, मजा आया दोनों बैटिंग से इनिंग देखने में, और आरसीबी की शायद तारीख ही मांगी ये इनिंग मैंने देखी, बेहतरीन खेली है, सबने बहुत फास्ट खेला है, सबको खड़े होकर स्टैंड अप ओवेशन मिलना चाहिए यार, डीके को सब खड़े में भी हुए हैं भाई, और ये बंदा डिजर्व करता है वर्ल्ड कप में आराम से स्पॉट डिजर्व करता है यार। और कल है राजस्थान रॉयल्स का और केकेआर का, राजस्थान रॉयल्स का मैच कल भी मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है बड़ा सीन जैसे आज हुआ।